इन वाक्यों में यह वे तथा वह शब्द निकट अथवा दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यह वे और वह निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम यह के कारकी रूप। कारक एकवचन बहुवचन, कारक कर्ता कारक एकवचन, यह इसने बहुवचन, ये इन्होंने कर्म कारक इसे इसका बहुवचन, इन्हें इनका करण कारक एकवचन, इससे इसके द्वारा बहुवचन, इनसे इनके द्वारा संप्रदान कारक एकवचन, इसे इसको इसके लिए बहुवचन, इन्हें इनको इनके लिए अपादान कारक एकवचन, इससे अलगाव के लिए, और बहुवचन में अलगाव के लिए इनसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक इसकी इसके इसका एकवचन, बहुवचन इनकी इनके इनका। अधिकरण कारक इसमें इस पर एकवचन में और बहुवचन में इन पे इन पर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित न हो, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई शब्द यहाँ निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, हमें ये पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, वो कोई भी हो सकता है, माता पिता भाई बहन लड़की लड़का कोई भी। तो यहाँ कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, वह किसी के यहाँ गया है, किसी शब्द यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है, किसी, वह किसी में कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार मित्र कोई भी। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ दूध में कुछ पड़ा है, वह क्या है ये नहीं ज्ञात है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के और उदाहरण देखिए, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई के कारकीय रूप। कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता कारक कोई, एक वचन में कोई किसी ने, और बहुवचन में कोई का प्रयोग होता है, कोई किन्हीं ने। कर्म कारक किसी को किसे, बहुवचन किन्हीं को किन्हें। करण कारक किसी के द्वारा किसी से एक वचन में प्रयुक्त होता है, और बहुवचन में किन्हीं के द्वारा किन्हीं से। संप्रदान कारक एक वचन किसी को किसी के लिए, बहुवचन किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान कारक एक वचन किसी से अलगाव के लिए, और अलगाव के लिए बहुवचन में प्रयोग होता है किन्हीं से। संबंध कारक किसी का किसी के किसी की, बहुवचन किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं की। इसी प्रकार अधिकरण कारक में एक वचन किसी में किसी पर, बहुवचन में किन्हीं पर। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जो अनिश्चित है जिसका कोई पता नहीं है, जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब मैं आपको संबंधवाचक सर्वनाम बता रही। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनामों के साथ संबंध बताते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन वाक्यों में जिसकी और उसकी का आपस में संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो होना है सो होगा, उपर्युक्त वाक्यों में जिसकी जैसा जो सर्वनाम शब्द क्रमशः उसकी वैसा सो सर्वनाम से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे आप देखिए, जिसकी लाठी
उसकी भैंस, यहाँ जिसकी और उसकी में आपस में संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, जो होना है सो होगा, जो और सो एक दूसरे में आपस में संबंध को इंगित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम के और उदाहरण, जैसे जो बोओगे सो काटोगे, जो प्रथम आएगा सो पुरस्कार पाएगा, जैसा करो वैसा भरो। अब मैं आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बता रही हूँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या चाहते हो, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि तुम क्या चाहते हो। दूसरा उदाहरण, गाड़ी में कौन बैठा है, यह किसकी पुस्तक है। यहाँ इस उपयुक्त वाक्यों में क्या, कौन तथा किसकी सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का छठवां भेद है। निज मतलब अपना। वाक्य में प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी की निजता या अपनेपन का बोध होता है, निजता या अपनेपन का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यहाँ पर स्वयं शब्द जो है निजता का या अपनेपन का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद चला जाऊंगा, खुद अपनेपन का बोध करा रहा है, इसलिए इस वाक्य में खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। हम स्वतः ही आगरा पहुंच जाएंगे, स्वतः मतलब अपने आप। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, खुद तथा स्वतः सर्वनाम शब्द कर्ता की निजता का बोध करा रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम के और उदाहरण, जैसे तुम अपने आप आ जाना, मैं खुद ही चला जाऊंगा, वह आप ही खा लेगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। इन सब शब्दों वाक्यों में स्वयं, अपने आप, खुद ही, आप ही आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम को बोधित कर रहे हैं। हमने सीखा इस पूरे पाठ में सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया, अब आपने इस पाठ से क्या सीखा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, छह भेद आपको पढ़ाया है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। ये भी मैंने आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहां उपस्थित नहीं है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वे, आप, हम आदि। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, गृह कार्य भी आपको मैं समझा दे रही हूँ। मैंने आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में बताया है कि सर्वनाम के छह भेद होते हैं। अब मैं आपको ये बता रही कि ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं सर्वनाम में, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला, लिंग के कारण सर्वनाम पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह जा रहा है, इसमें वह क्या है, सर्वनाम है। जा रहा है लिंग पुल्लिंग है, वह जा रही है स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ सर्वनाम शब्द वह में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए लिंग के कारण सर्वनाम पदों में परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा, आदर देने के लिए एकवचन पुरुषवाचक रूप का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो एकवचन पुरुषवाचक को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, पिताजी दफ्तर गए हैं, वे शाम को लौटेंगे। पिताजी एकवचन है, लेकिन हम उनको आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। गृह कार्य, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम को रेखांकित कर उनके भेदों के नाम लिखिए। पहला वाक्य, दूध में कुछ गिर गया, दरवाजे पर कोई खड़ा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मैं स्वयं चला जाऊंगा,
मोहन क्या लाया है। इन वाक्य में आपको सर्वनाम को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, फिर आपको उनके भेद लिखना है। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है गृह कार्य में, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा कीजिए। ये रिक्त स्थान दिए हैं, इसमें आपको उचित सर्वनाम शब्द जो सही हो वही भरने हैं। जैसे करनी भरनी, यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, यह पुस्तक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए आप यहाँ पर शब्द भरेंगे किसकी। यह मेरी पुस्तक है भी सर्वनाम होगा, लेकिन प्रश्नवाचक है तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखना होगा। यहाँ रिक्त स्थान है, यह यहाँ पे आपको लिखना होगा यह मेरा घर है। प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, उचित सर्वनाम शब्द मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। शायद कल आगरा जाएगा, वाक्य में शायद वह कल आगरा जाएगा। अब आपको मैंने सर्वनाम पूरी तरह से समझा दिया है और गृह कार्य दे दिया है। बच्चों धन्यवाद।